अस्सलाम वालेकुम। ये रेस्टोरेंट्स क्या हाल हैं आपके? मैं कहता हूँ आप ठीक होंगे, खैर से होंगे। ये रेस्टोरेंट से कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है या गूगल से उसको नहीं मिल रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं और वो मैंने खुद सॉल्व नहीं किए हैं। कुछ तो मुझे आ गए थे, कुछ मुझे गूगल से भी नहीं मिल रहे थे, मुझे नहीं आ रहे थे। तो मैं वो डिवीनल फॉरेस्ट ऑफ इधर DFO साहब है, कोई मेरा दोस्त है, उससे मैंने मालूम किए हैं। फिर आपके साथ ये मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो काइंडली अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और लिंक को भी गुरु उसमें शेयर कर दें ताकि दोस्तों को फ़ायदा पहुँचे। मेरी 100% एफर्ट है कि हर जॉब के लिए हर एग्जाम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आप RFO के हवाले से कंप्लीट मटेरियल ले सकते हैं जिसमें आपको 100% गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? ये सिर्फ ना RFO के लिए, लेकिन टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर या कोई और आपका इंटरव्यू है FPSC का, तो उसके लिए भी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल पूछा रहा है कि नेम ऑफ द ट्रीज इन रेंज लैंड फॉरेस्ट इन सिंध, सिंध में जो रेंज लैंड फॉरेस्ट है उसके ट्रीज के नाम बताएं। तो इसमें देवी, कंडी, स्केटर्ड, बाबुल, कबर, कबर एंड अदर्स एंड पूछ रहे हैं। उसके बाद सवाल पूछा जा रहा था कि कोई मटियाली से स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए ये लाजमी क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट कौन से हैं मटियाली डिस्ट्रिक्ट में। तो मटियाली फॉरेस्ट है, कैबरानी फॉरेस्ट है, कच्चो खानोट, पक्को खानोट, सालारो, सिखाट, ये सारे फॉरेस्ट हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, बार बार मेरे ग्रुप में भी ऐड है, वो भी पूछ रहे हैं कि सर हमें बताएं कि हाउ मेनी रेंजेस आर डिवीजन, डिवीजन में कितनी रेंजेस होती हैं। तो मैं तो अगर फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों से जो मेरे इन्फॉर्मेशन जो DFO साहब से मिली है वो कह रहा है कि RFO रेंज पर होता है और हर फॉरेस्ट डिवीजन में जो है वो 2 से 3 रेंजेस होती हैं और डिवीजन डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। हर डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो डिवीजन होता है फॉरेस्ट के हवाले से। उसके बाद है कि वाइल्ड लाइफ, सिंध रिवराइन जो फॉरेस्ट है उसमें वाइल्ड लाइफ कौन सी है। तो सिंध रिवराइन फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है उसके नाम बता रहा हूँ, फाड़ो, केट, जेकल, पिग। उसके बाद है, ये पॉइंट नोट करने वाली है, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध फॉरेस्ट डिवीजन, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिवीजन है। जैसे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, मटियाली डिस्ट्रिक्ट है, तो मटियाली डिवीजन फॉरेस्ट की होगी, ठीक है, वैसे डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन फॉरेस्ट के हवाले से हर डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन कहा जाता है, तो फॉरेस्ट जो ऑफिसर होता है वो डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंग्रोव की जो स्पेशीज हैं जो सिंध में मिल रही है उसका नाम बताएं, ये भी सवाल पूछ रहे हैं इंटरव्यू में बार बार। तो एवेसिना मरीना, सेरिपस टैगल, राइजोफोरा, न्यू कोरोनाटा, ठीक है ना, एजिसेरस, कॉर्निकेलेटम एंड मैग्रोव SPP। तो ये मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है? मैंने अपने तरफ से कोई चीज़ नहीं डाली, ये सारी DFO डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से मिली है जो सिंध गवर्नमेंट में काम कर रहा है। तो आप इस पे जो है ट्रस्ट करके इसको अच्छी तरह से पढ़ें एंड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, एंड इंटरव्यू में अगर कोई भी इससे क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह आपको हेल्प मिल जाएगा। आप इंटरव्यू दे के जो मेरे चैनल से आपको फ़ायदा हुआ है यूट्यूब से, वो काइंडली आप कमेंट में जो है वो कमेंट भी आकर, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि यहाँ से फ़ायदा हो रहा है या ये चैनल बिल्कुल काम कर नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू, एंड आपके लाइक्स एंड कमेंट्स की ज़रूरत है, अगर आप देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।